देर कर दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का जिक्र करते हुए, और उस जिक्र में भी एक जो होप, उस होप के पीछे आप कमिटमेंट टू जस्टिस होना चाहिए। वहां दिक्कत क्या है ना, खाइयां इतनी बड़ी हो गई है कि आपको न्याय शांति के साथ, लेकिन न्याय उसका संदेश जा नहीं रहा, आज भी नहीं गया। अब प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पे बोलते हैं तो मुझे बेहद हंसी आती है। वो पूरे परिवारवादी कैलेंडर के नीचे संसद में बैठते हैं, नाम गिनाऊं मैं भी थक जाऊंगा। भ्रष्टाचार, फिर मुझे भोपाल में उनकी गर्जना याद आती है, इसी तरह की थी। और उसके बाद महाराष्ट्र में गुलदस्ता लेते हुए गलबैया वाली तस्वीर देखी। तो आज के दिन में तो जब प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार बोलते हैं तो मुझे लगता है कि अगला कौन इनके दल में शामिल होने वाला है। सीधी सी बात है, ये सारे जो प्रसंग है ना, इसके बरक्स प्रधानमंत्री जी को जो तेवर अपनाना चाहिए था, वो तेवर इन दिनों बहुत ढीला पड़ता जा रहा। जो परिवार क्या, उसमें उन्होंने कहा कि एक पार्टी के लिए तो वो पार्टी उनके लिए ये है कि ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी और फॉर द पार्टी, ये जमा नहीं। वो कोशिश करते हैं आजकल तुकबंदी करने की, इंडिया को घमंडिया करने की कोशिश की, नहीं चला। अपने विपक्ष को हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन कहा, नहीं चला। ईस्ट इंडिया कंपनी कहा, नहीं चला। मैं सीधी सी बात कहता हूं, परिवारवाद ढूंढना है तो प्रधानमंत्री जी को अब किसी और दल में नहीं जाना है, अपने दल का ही विश्लेषण करना है, कैबिनेट से लेकर के संसद सदस्यों तक का। इतने प्रमाण और उदाहरण मिलेंगे कि प्रधानमंत्री जी सन्न रह जाएंगे, ये सीधी सी बात है। सर, अनाउंसमेंट किया है विश्वकर्मा स्कीम शुरू करने का, आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा? मेरा तो सीधे मानना है कि विश्वकर्मा स्कीम या कोई भी स्कीम तब फायदेमंद होगी जब आप जातिगत जनगणना करवाएंगे। उस पर क्यों चुप्पी है प्रधानमंत्री जी की? सामाजिक न्याय का वो एक ऐसा पहलू है जिसको आप दरकिनार कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी दसवीं बार आज बोल रहे थे, 10 दुनी 20 करोड़ रोजगार को लेकर के थोड़ा अपना मूल्यांकन करते लोगों के समक्ष तो लगता कि ईमानदार पीएम, लेकिन उस पर तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी हो जाते हैं और वो चुप्पी अच्छी नहीं लगती है। सर, एक सवाल जो कि हमें करता रहा है इकोनॉमी को लेकर के, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस समय में उन्होंने सत्ता संभाली थी 10वें नंबर पे थे, आज 5वें नंबर पे है, और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम 3रे नंबर की इकोनॉमी होगी, ये विश्वास उन्होंने दिलवाया। मैं आपको बताऊं, 10वें नंबर से 5वां नंबर और 5वें नंबर से 3रा नंबर, ये मैथमेटिकल रियलिटी है। प्रधानमंत्री जी 2+2=4, ये होता है। ये मोदी जी के आने के बाद ऐसा नहीं कि 2+2=4 होता है, तो मैथमेटिकल रियलिटी का भी क्रेडिट अगर आप लेते हैं। चलिए, इकोनॉमी के बरक्स मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना होगा तो रोजगार का सवाल पूछूंगा, समावेशी विकास का सवाल पूछूंगा, और उन सवालों पर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी होती है। ये सवाल मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी इकोनॉमी हमारे आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंच रही है, लोगों के घर में रोजगार कैसे पहुंच रहा है। हर घर तिरंगा, हमें भी अच्छा लगता है, हर घर रोजगार नहीं होना चाहिए क्या? ये नारा दे करके देखें प्रधानमंत्री, इस पर अमल करके देखें, तब दिखेगा कि हाँ, प्रधानमंत्री जी के अंदर कुछ ऐसे ब्लूप्रिंट है जो अब तक किसी के पास नहीं था। सर, लाल किले की प्राचीर से भाषण और उसके बीच में, और जो वो पूरा समारोह था उसके बीच में जो एक और खबर आई, मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी खाली रही, कांग्रेस अध्यक्ष उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, दलील दी गई कि कांग्रेस अध्यक्ष की तबीयत खराब है, हालांकि वो कांग्रेस ऑफिस में कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, क्या कहना? नहीं, मेरा सीधे कहना कि अब हमारी राजनीति स्तर पर आ गई। मैं गिनती करके बताऊं कौन कौन लोग एबसेंट थे आज मंत्रिमंडल के, भी बताऊं क्या? मतलब ये कहां हमने राजनीति को पहुंचा दिया कि 15 अगस्त की उस सभा में अगर एक व्यक्ति नहीं पहुंचता कतिपय कारणों से तो ये हमारे लिए खबर हो गई, इस पर बहस होगी, डिबेट हुआ करेगा, ये अच्छा नहीं है। खड़गे साहब ने तो हालांकि बाद में मीडिया से बात, सरकार का रवैया जो विपक्ष के प्रति है उसका जिक्र करते हुए कहा कि हम संसद में जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हमारा खुद का माइक बंद कर दिया जाता है, सारी संस्थाएं जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, ये सवाल उन्होंने उठाया है। बिल्कुल खत्म हो गई है सबसे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।